झारखंड में खेल प्रतिभा की कमी नहीं है। दिन रात मेहनत कर ये खिलाड़ी देश के साथ राज्य का नाम भी रोशन करना चाहते हैं, लेकिन सरकार के उदासीन रवैये से खिलाड़ियों का मनोबल टूटता जा रहा है, क्योंकि आज कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बेहतरीन खिलाड़ी खेत और ईंट भट्टे में काम करने को मजबूर हैं। ऐसे में खिलाड़ियों का मानना है कि देश के लिए खेलने के बाद भी आज खिलाड़ियों को वो इज्जत नहीं मिल पाती जिसके वो हकदार हैं। खिलाड़ियों की इस दुर्दशा के बाबत हमने धनबाद के बिष्णुपुर पंचायत स्थित लक्ष्मीपुर गांव में रहने वाले कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से बातचीत की। देखिए लगातार न्यूज की ये खास रिपोर्ट, खिलाड़ियों की कहानी खिलाड़ियों की जुबानी। अभी भी खेलते हैं, अभी लॉकडाउन की वजह से अभी हम लोग का प्रैक्टिस भी बंद है। और कहाँ तक खेली सर? हम स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल भी खेले हैं। अभी तक क्या मिला तुम्हें? सर अभी तक हमको कुछ नहीं मिला है, बस स्कॉलरशिप भरे थे तो स्कॉलरशिप आया था बस। झारखंड में जो खेल के प्रति जो रवैया है सरकार का, उससे कितना मनोबल बढ़ रहा तुम्हारा? सर मनोबल बढ़ कहाँ रहा है, कुछ होता तब ना बढ़ता। अभी तो जो देखा जा रहा है, अभी तो हम लोग से भी ऊंचा बहुत कोई खेलिए, उन लोगों का कुछ नहीं हो रहा है तो हम लोग का कहाँ से होगा। क्या खेल के प्रति सरकार ध्यान नहीं दे रही है? नहीं, तो घोषणा तो की थी पिछले बार की खिलाड़ियों को मतलब नौकरी वगैरह दी जाएगी। घोषणा करने से थोड़ी होता है, उसको आगे बढ़ाने से होता है। सर अभी तो फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं, बीए सेमेस्टर थर्ड में है। पहले और क्या कर रही थी? पहले पढ़ाई के साथ साथ खेलते भी थे, और जो घर का खेत का काम है वो मम्मी के साथ हाथ बटाना। कौन सा खेल खेल रही? फुटबॉल। कहाँ तक खेली वो? सर हम डिस्ट्रिक्ट से स्टेट तक खेले हैं, 4 नेशनल हुआ है, और इसी के वजह से खेलते हैं। लेकिन देख रहे कुछ मिल ही नहीं रहा, ना स्कॉलरशिप खेल का जो मिलता है वो नहीं मिल रहा है, ना कुछ भी नहीं। अब तो क्या? इसके वजह से मेरी दीदी लोग बोली कि जब तुम नेशनल खेल चुकी है, 2-3-4 खेल चुकी है, तुमको कुछ नहीं मिल रहा है, तब हम लोग भी छोड़ देंगे। तो मेरा दीदी नर्स का काम करती है, और 2 बहन है, वो लोग भी छोड़ दी। पर सर हमको मीडिया द्वारा सबको को पता चला कि हम एक इंटरनेशनल इस गांव में खेलते हैं। इससे पहले कोई नहीं जानता था कि आशा नाम की लड़की है जो पंचायत से कोई खेली है, नेशनल इंटरनेशनल कोई हम लोग को नहीं जानता था। आज अगर लॉकडाउन नहीं जानता तो इंडिया कौन खेली है ये किसी को नहीं पता चलता। ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग के साथ? मतलब हम लोग खेल रहे सर तो कहीं ना कहीं झारखंड का नाम रोशन हो रहा है, देश का नाम रोशन कर रहा है। तो बस नाम होने से नहीं होगा ना सर, प्लेयर को कुछ मिलेगा तब ना आगे दिन चल के हम लोग के लिए भी, हम लोग का झारखंड टीम जाते हैं, हम लोग कहीं भी खेलने जाते हैं, अगर झारखंड टीम जीतता है ना सर तो हम लोग से ज़्यादा तो सरकार लोगों को खुशी होता है कि चलो झारखंड टीम हुआ। हम लोग को तो इतना खुशी होता है कि चलो हम लोग का पूरा झारखंड में इतना सारा जनसंख्या के बीच में हम लोग 20 लड़की जाके खेल के आ रहे हैं, ये हम लोग को बहुत बड़ी गर्व की महसूस होता है। पर महसूस जब जैसे खेल के आते हैं तो फिर वो जो खुशी होता है वो ख़त्म हो जाता है कि चलो अब तो फिर वही सुबह उठना है, घर का काम करना है, फिर थोड़ा जो टाइम मिलेगा फुटबॉल खेल। रांची में नर्सिंग होम में काम कर रहे हैं। पता चला कि आप खेलते भी थे फुटबॉल? जी सर हम खेलते भी थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में हम घर से निकल गए, चल गए अपना उधर काम वाम करने के लिए। कुछ तो मिला नहीं हेल्प, तो क्या करेंगे। कहाँ तो तक खेले आप? हम तो स्टेट लेवल तक खेले। क्या लगता है खिलाड़ियों के प्रति झारखंड में कोई महत्व नहीं है? कोई महत्व नहीं है सर, अभी तो बहुत सारा बच्चा लोग तो देखते हैं खेलने के लिए जाती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, घर का सपोर्ट भी नहीं देते हैं, कुछ होता ही नहीं है। तो अगर खेल में मतलब सरकार कुछ मदद करती तो क्या आप आगे और खेलते हैं या फिर? आगे और भी खेलते, अगर मदद मिलता तो जरूर खेलते हैं, लेकिन मदद कुछ नहीं मिला तो लास्ट में तो कुछ तो करना होगा ना। सब्जी बेच के दोसर के जमीन में सब्जी उगा के आप बेचे आधा भाग पर। कहाँ तक खेली आपकी बेटी? पूरा इंडिया तक गोटे खेल के आएगा। इंडिया खेल रही है आपकी बेटी, तो आपको तो गर्व होगा पूरा। गर्व तो कुछ मिलवे नहीं करो, गर्व करके की करवा। लॉकडाउन में तो कोई आवो खोजे पूछे लो, तब बाद में तो कोई पूछो ना आवो कि कैसे घर चलो कैसे ना चलो, उठने तो कोई पूछबे नहीं करो। बेटा पढ़े लिए साइंस फर्स्ट डिवीजन पास कर लो, पॉलिटेक्निक दिले फर्स्ट डिवीजन पास कर लो, पैसा कौड़ी घट गलो। बेटा कहलो मैया जब बहन सब फुटबॉल खेला हो तो घर कैसे चलतो, हमारे बेटा हाजिरी खटे लगल घर चलो। सरकार द्वारा कोई मदद नहीं मिल रहा, कोई मदद नहीं दे रहा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।